राम सभी को। आज हमारे साथ 4G हरियाणा हौसलों की उड़ान और लोकल मीडिया हरियाणा के चैनल के माध्यम से आप ये देख रहे हैं। फिलहाल हम लोग भाई जाट धर्मशाला जींद में मौजूद हैं और यहाँ पर जो अभी महापंचायत जो कॉन्फ्रेंस हुई थी बातचीत करेंगे जो सचिंदर धुन जी SYL के जो सत्यवान धुन जी जो SYL के प्रचारक है ये खुद बता देंगे। तो सर नमस्कार। सर नमस्कार भाई। नमस्कार तारा, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों हमें आज इस जाट धर्मशाला में जी जो हमने सामाजिक पंचायतें बुलाई थी जी, सामाजिक संगठन बुलाए थे जी, सामाजिक कर्मचारी संगठन बुलाए थे, इसी मुद्दे बुलाए थे कि हमने एक रास्ता बताया हरियाणा सरकार को जी क्योंकि पंजाब का पानी हमने मिलना को नहीं भाई जी। पंजाब के किसान ने जो जमीन दी थी SYL के निर्माण के लिए वह सरकार ने वापिस लेके किसान ने रजिस्ट्री कर दी। उसमें सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट इतना कह सकता था उन्होंने सरकार ने कोई 20 का रास्ता निकाल लो। हमने प्रयास करके 20 का रास्ता निकाला भाई और इस सरकार से मांग कर रहा हाँ कि ये रास्ता हमने उपलब्ध कर दिया करा दिया सरकार ने। सरकार हिमाचल सरकार से बात करके यो सारा SYL का जो लंबाई से वहाँ हिमाचल का रास्ता है हमारा सिर्फ 67 किलोमीटर पड़े है। कच्चा पहाड़ है, नाले हैं, अच्छा और उपजाऊ भूमि को नहीं। दूसरी बात 67 किलोमीटर भैया जमीन सारी है ना टोटली हिमाचल सरकार की, किसी किसान की कोनी कोई वहाँ पैदावार नहीं होती। इसलिए सबसे बढ़िया रास्ता है बद्दीर पंजोर होके हिमाचल से सीधा हमारा पानी SYL का 35 लाख एकड़ का जमीन हरियाणा को मिल सकता है। अरे हरियाणा की जान बच सके भाई, नहीं तो हरियाणा में ऐसी व्यवस्था खराब हो गई है। नीचे के पानी खत्म हो गए हैं, खारे पानी हो गया पूरा प्रदेश में, सिंचाई का पानी मिल रहा किसानों को, 80% जमीन खाली रह जाती है पूरे प्रदेश में। कई जिले तो ऐसी भयंकर चपेट में है कि वहाँ दोनों फसल भी नहीं होती, दोनों फसल भी नहीं होती। इसलिए मैं बताना चाहूँगा आपने भाखड़ा डैम से भाई जी भाखड़ा डैम दिखा दे भाई, ये भाखड़ा डैम है भी यहाँ पे। हाँ, यो पंजाब रह गया इधर भाई सारा जी यो आ गया हरियाणा। हाँ, हमें भाखड़ा नांगल डैम ते सीधा हरियाणा थी रास्ता है 67 किलोमीटर का। 67 किलोमीटर का। हाँ, और जो पंजाब का था वो कितना था? वो 156 किलोमीटर। 156 किलोमीटर। और जो अब आप लोगों ने खाका तैयार किया है वो 67 किलोमीटर। हाँ हाँ, हमारे जो इस मंच के अध्यक्ष है जितेंद्र एडवोकेट जी बड़े समझदार व्यक्ति है, उन्हें कई साल हो गए प्रयास कर दिया था हमने उसके गेल रहते हुए जी। यो सारा नक्शा वहाँ घूम के इंजीनियर साथ में लेके घने घने पढ़े लिखे आदमी जो एग्रीकल्चर जुड़े हुए थे इंजीनियर थे सारे साथ लेके भाई यो रास्ता हमने ढूंढा है। अच्छा जी, इस सरकार ताज यही पंचायत हमने पंचायत के माध्यम से मांग करी है। हमें सरकारों को चेतावना ही कौन देना चाहते, हमें सरकार ने बता दिया रास्ता दे दिया, इस रास्ते तक पानी ला दे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हरियाणा को ताकि हरियाणा बच जाए जी। इससे ज़्यादा हम कुछ कहना चाहते हैं और एक बात और बताना चाहते हैं सरकार को। हम लगातार 4 महीने पूरे प्रदेश में पूरे ब्लॉकों में जी, पूरे गांव में शहरों में हम लोगों को जागरूक अभियान छेड़ेंगे इसके प्रति और फिर बहुत बड़ा आंदोलन तैयार खड़ा करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलेगा ताकि प्रदेश सरकार न झुकना पड़े और हिमाचल सरकार ने ये रास्ता देना पड़े और हरियाणा का भला हो सके जी। जी, तो इसे आप कोई बता रहे थे बिजली वगैरह भी कुछ उत्पन्न होगा? हाँ, ये हमारे जितेंद्र जी हमारे इस मंच के अध्यक्ष जी, वो पूरी जानकारी देंगे आपको जी। जी, तो अभी हमारे साथ जो जितेंद्र जी हैं उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। पहले तो ये देखिए आप क्या सर हरियाणा की हालत देखिए, केवल थोड़ा सा इलाका है जिसके अंदर ग्रीन है जी, बाकी सारा रेड ब्लू ये मतलब क्रिटिकल स्थिति में आ चुका है सारा जी। मतलब यहाँ पानी बिल्कुल खत्म हो चुका है सारा इस बेल्ट में, यही सार है और है जिस तरह सिरसा फतेहबाद रिवाड़ी ये पीली जो है ये सेंसिटिव है ये सारा ये देखिए सारी जी। ये CC एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सार का ये मैप है और इसलिए ज़रूरी है SYL का आना। अगर यहाँ से पानी आता है तो पूरे प्रदेश में शुरुआत से लेकर यहाँ से शुरू होगा और सारे प्रदेश को पानी मिलेगा। अच्छा अच्छा, तो सर जैसे तो सर जैसे अब किस तरीके से कैसे आप लोगों ने ये पूरा प्रोसीजर तैयार किया है? हमने पहले तो 2015 में शुरुआत की थी रिसर्च करनी इस पर जी और रिसर्च करके हमने ये पाया कि भी प्रदेश के अंदर विकट स्थिति हो चुकी है और इस स्थिति से निपटने के लिए ये जो पानी जो रावी ब्यास का पानी 1955 में हमें अलॉट हुआ था जी वो पानी अगर नहीं आया गया लाया गया और राजनीति का शिकार होता रहा है तो प्रदेश की जो 3 करोड़ जनता है उस और आने वाले हमारे जो बच्चे हैं हमारी पीढ़ियाँ हैं भविष्य है जिनका जी वो बड़ा अंधकार में हो जाएगा और वो सोच के भी घबराहट होती है क्योंकि पलायन करना पड़ेगा और पलायन करने में फिर पता नहीं कहाँ पे आदमी को जाना पड़ जाता है जी। बिल्कुल, ऐसी स्थिति में हम ये चाहते हैं कि हमने रिसर्च की और रिसर्च करके नए
जो पंजाब के रास्ते, पहली बात तो ये थी कि पंजाब के तक पानी नहीं देंगे। जी जी, हमने पंजाब से पानी नहीं लेना था कभी भी। जी जी, हमें पंजाब से रास्ता लेना था उस पानी को लाने के लिए जो 1955 में अलाट हुआ था हमें। बिल्कुल, वो लेकिन नहीं दिया पंजाब वाले, पंजाब ने रास्ता ही नहीं दिया। तो हमने एक वो रास्ता तैयार किया है नया, जिसके माध्यम से हिमाचल के रास्ते अपन को रास्ता ले सकते हैं, उस रास्ते से चैनल बना के। और वहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी तैयार होगा, 1000 मेगावाट प्रदेश को बिजली मिलेगी और उस बिजली से पूरे प्रदेश के अंदर फायदा होगा। जी जी, तो प्लस एग्रीकल्चर हो जाएगी, 35 लाख एकड़, 3.5 मिलियन एकड़ फीट का हो जाएगा और जितनी हमें ज़रूरत है वो पूरी हो जाएगी उससे। जी, जैसे ये जो आप लोगों ने खाका तैयार किया है, इसका पूरे हरियाणा को फायदा होगा या फिर कुछ डिस्ट्रिक्ट? पूरे हरियाणा को फायदा होगा, क्योंकि अब हमारे पास टोटल देसी भाषा में 100 घड़े पानी है। हाँ हाँ, और डिमांड है 300 घड़े की। जी जी, तो 300 घड़े 5-6 ग्रुपों में बट रहा है इस टाइम, 300 घड़े पानी। जी जी, 100 घड़े पानी ना 300 में बटेंगे तो छितर जाएगा। इसलिए उसी का नतीजा क्या है, जब 15 दिन नहर चलती थी हमारे पहले, हाँ, उसी पानी से महीने में, अब 42 दिन के बाद पानी आता है इस टाइम। हाँ, वाराबंदी जो होगी, 5-6 ग्रुप बन गए, 5-6 ग्रुप बनने के बाद ये दोबारा से ऐसे हालात हो गए। अगर वो पानी आ जाता है तो प्रदेश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर पानी का जो 300 घड़े का पानी है ज़रूरत है, वो 500 घड़े हमें मिलेंगे पानी के, और कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। महीने में करीब 20 से 25 दिन पानी नहरें बहुत चला करेंगे। जी जी, हाँ। तो जैसे तमाम लोग ये वीडियो देख रहे होंगे और जो सरकारी, जिस तक आप ये आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं, आप कुछ और कहना चाहते हैं उनको, सभी को? सर, प्रदेश की जनता से मेरा यही अनुरोध है कि एक समस्या में हम फंसे हुए थे, लोग अंधकार में हो गए थे, उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था कि पानी कैसे आ सकता है। लेकिन इस रिसर्च के माध्यम से हमने पा लिया, और प्रदेश की जनता समझाएंगे हम भी, उनको जागरूक करेंगे, और उनको जागरूक होकर के ये एकजुट होकर के ये अपनी मांग, अपना जो हक है उसको लेना है। ये हमारा फंडामेंटल राइट है, इसमें आर्टिकल 21 और आर्टिकल 20-19 की हमारी वायलेशन है। जी जी, सरकार की जिम्मेदारी है कि हमारे मौलिक जो अधिकार है, पानी, बिजली, हवा, वो हमें मिलना ही चाहिए। और ये हमारा पाक अरब सागर में चला जाता है पानी, अनयूटिलाइज होकर के, ना पंजाब यूज़ करता है ना और कोई करता है। तो जैसे सर, जो आप लोगों ने एक खाका तैयार किया है, क्या कभी सरकार ने पहले इस तरीके से विचार नहीं किया, कभी सामने सरकार नहीं को हमने 2019 में दिया था ये, 2019 से पहले, इलेक्शन से पहले। जी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास स्थान के ऊपर मीटिंग हुई थी, वहाँ पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी मिस्टर खुल्लर थे, मिस्टर अरुण रस्तोगी थे ACS, और हरियाणा प्रदेश के चीफ इंजीनियर जितने भी थे सभी थे। जी जी, और वेबकॉस के जो थे मिस्टर अनिल अरोड़ा थे केंद्र सरकार की तरफ से, तो सब ने इस बात पे सहमति जताई थी, ये प्रोजेक्ट वायबल है, टेक्निकली और फिजिबिलिटी इसकी बिल्कुल सही है और इसमें बन सकती है बात। तब उस सरकार ने हमें एस्टिमेट बताने के लिए कहा था कि कितना एस्टिमेट आएगा खर्चा और अलाइनमेंट क्या है, तो हमने उनको अलाइनमेंट बना के दे दी और खर्चा बता दिया कि 4100 करोड़ रुपये खर्चा आएगा, और वो खर्चा भी उन्हें वहन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जब हाइड्रो प्रोजेक्ट, जल विद्युत परियोजना कोई बनती है तो उस परियोजना में केंद्र सरकार और वर्ल्ड बैंक, जो विश्व बैंक है, वो उसको वहन करता है उसका खर्चा। तो भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक की तरफ से पैसा मिल जाएगा उनको, हरियाणा सरकार को कुछ नहीं करना, और हिमाचल को भी 67 किलोमीटर का है, वहाँ पर भी हॉर्टिकल्चर की स्कीम्स लागू चल पड़ेंगी, और वो बिरानी धरती है, वहाँ पर भी होगा, या टूरिज़्म को भी यहाँ पर फ़ायदा होगा प्रदेश के, और पूरे प्रदेश में रोज़गार मिलेगा, करीब 35 लाख लोगों को नए कार्य सर्जित होंगे, जिससे कि उनको रोज़गार मिलेगा, क्योंकि पर एकड़ एक परिवार चला लेता है अपना खर्चा। अभी पीछे अच्छी बारिश हो गई थी तो 1 लाख रुपए पर एकड़ धान हो गया था। हाँ, हो गया। तो वही बात है, अगर हमें पानी मिल जाता है मेवात से लेकर के ये पूरा प्रदेश के अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, फिर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद सिस्टम बना हुआ है हमारे प्रदेश के अंदर, रजबा, जोड़, गली, नहरें, सब कुछ है। जी जी, अच्छा, वो बनने के बाद कोई टेंशन, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हरियाणा प्रदेश पूरे देश को अन्न खिलाता है, अन्न से भंडार भरता है, और यहाँ के जो एक एक बूंद को तरस रहे हैं लोग, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य अंधकार में हो गया है, लोन ले लेके न सुसाइड कर रहे हैं फार्मर्स, जो मजदूरी करते हैं वो बीमारी से पीड़ित हैं, क्योंकि ज़मीन का पानी पीना पड़ता है। जी जी, ज़मीन के पानी में नाइट्रेट है हरियाणा के अंदर 1160 है, जबकि 45 mg से ज़्यादा अगर हो जाता है नाइट्रेट तो वहाँ पे कैंसर की बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं, कैंसर, अस्थमा, लीवर, सभी समस्याएँ। तो आज ये दिक्कत ये है कि मेडिकल अस्पताल तो बढ़ते जा रहे हैं, जी जी, बड़े बड़े होते जा रहे हैं, उनके बिल भी बड़े बड़े होते जा रहे हैं, अगर वो पानी, नहर का पानी मिल जाए तो किसान तो मजबूत हो जाएंगे और मजदूर भी मजबूत हो जाएंगे, हमारे बच्चे भी मजबूत होंगे आगे,
वरना ये बीमारियों से पीड़ित होंगे। कोई घर हरियाणा के अंदर ऐसा नहीं बचा हुआ आज की तरफ जो कोई ना कोई बीमार बड़ी बीमारी से त्रस्त ना हो जी जी। और इतनी भारी संकट है, छोटे छोटे बीमारी के लिए भी 50,000 रुपये दो दो दिन में अस्पताल वाले ले लेते हैं, तो इन चीज़ों से बच जाएगा प्रदेश। आने वाला जो रिप्रेजेंट करता है स्पोर्ट्स में, मिलिट्री में, हर चीज़ में, हम साइंस में साइंटिस्ट पैदा करते हैं, तो सब कुछ मिलेगा। केवल पानी के ऊपर है, पानी हमारा है, वो हमारा हक है। हमने हरियाणा प्रदेश की जनता ने ये रास्ता तलाश करके दे दिया है सरकार को, अगर सरकार को चाहिए कि वो उस पर काम करे जल्द से जल्द। पानी भी बढ़िया नहीं है। हाँ जी, जी। तो भाई जिस तरीके से इन्होंने बताया हमें, हरियाणा का इसमें हर तरीके से फ़ायदा है, और जो हरियाणा का SYL सतलुज यमुना लिंक का जो मामला था, हरियाणा और पंजाब का बहुत दिनों से इस पर सत्ता हुई है, कोई कहता ले आएंगे ऐसे होगा, पीछे सुप्रीम कोर्ट ने अलो भी कर दिया था लेकिन उसके बाद भी नहीं मिला, और अब एक बिल्कुल नया तरीका जिसमें पंजाब का कोई हिस्सा नहीं होगा बीच में, अब बस जो हिमाचल प्रदेश का, और जो सीधे तरीके से, और जो दूरी है पहले 67 किलोमीटर की होती थी, अब वो जो है ओनली 167 किलोमीटर की थी, वो ओनली अब 50 से 60 किलोमीटर की दूरी तय होगी, और उसमें 100 मेगावाट की जो है बिजली भी उत्पन्न होगी। और ये पूरी जो इन्होंने अपना जो प्री प्लान आप देख सकते हैं इन्होंने बना रखा है यहाँ पर किस तरीके से क्या होगा। तो भाई आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें ताकि वीडियो सभी के पास पहुँच जाए, और जल है तो जल ही जीवन है, जल को आप बचाएं, जल को बचाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जल एक मौलिक इकाई है हमारे जीवन की, तो जल को बचाए सेव करें। और ये पूरा आप देख सकते हैं भाई, फिलहाल हम जाट धर्मशाला जींद से ये पूरी तस्वीरें आप देख रहे थे, और मिलेंगे आगे एक ऐसी ही नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हरियाणा, जय भाईचारा।